हेलो प्यारे बच्चों और साथी दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल जूनियर का मास्टर में। आज हम बात करते हैं कक्षा तीन की पाठ पुस्तक संस्कृत पीयूषम, जिसमें हमारी शुरुआत हुई है सरस्वती वंदना से। आइए हम लोग मिलकर सरस्वती माता की, जो हमारी विद्या की देवी हैं, जो हमें विद्या देने वाली हैं, बुद्धि देने वाली हैं, उनकी वंदना करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सरस्वती वंदना। देवी सरस्वती तव पद कमलम अहम नमामि वयम नमामः। माता देहि सद्गुण ज्ञानम अहम नमामि वयम नमामः। देवी शारदे तव सन्निकटे अहम पठामि वयम पठामः। इस प्रकार हमने सरस्वती वंदना पढ़ ली है। आइए समझते हैं कि इस वंदना में हम क्या माता जी से, जो हमारी बुद्धि की देवी हैं, विद्या की देवी हैं, उनसे हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। चलिए आइए समझते हैं। देवी सरस्वती तव पद कमलम। देवी सरस्वती क्या मतलब हुआ इसका? हे देवी सरस्वती, आपके कमल जैसे चरणों में, पद कमलम कमल जैसे चरणों में, अहम नमामि वयम नमामः। अहम माने होता है मैं, नमामि माने होता है प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। तो क्या इसका अर्थ हुआ? मैं नमन करता हूँ। वयम का मतलब होता है हम, तो हम नमन करते हैं। माता देहि सद्गुण ज्ञानम, आइए समझते हैं। हे माता, सद्गुण ज्ञान दीजिए। हे माता, आप हमें सद्गुण ज्ञान दीजिए। अहम नमामि वयम नमामः। अहम माने होता है मैं नमन करता हूँ। वयम का मतलब होता है हम नमन करते हैं। देवी शारदे तव सन्निकटे, हम लोग सरस्वती माता को माँ शारदे के नाम से भी जानते हैं। तो क्या इसका अर्थ हुआ? हे देवी शारदे, आपके समीप मैं पढ़ता हूँ। अहम पठामि वयम पठामा, मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ते हैं। इस प्रकार हमने इस पाठ को संस्कृत में और उसके साथ साथ ही उसका हिंदी में भावार्थ भी समझ लिया है। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं प्रथम पाठ गंत्री, यानी कि गाड़ी, छुक छुक गाड़ी कैसे चलती है, इसके बारे में हम लोग खूब मज़ेदार बात करेंगे और पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।